हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। तो दोस्तों कैसे हैं आप सब? देख सकते हो दोस्तों, दिन की शुरुआत हो गई है, सुबह हो गई है। और भाई साहब, मैं आ गया अपने प्लॉट पे, क्योंकि आज भी जेसीबी चलाएंगे। दो दिन से काम कर रहे हैं बट पूरा नहीं हुआ है, और आज फिर से चलाएंगे। तो सुबह हो गया, देख सकते हो आ गए हैं। तो कितना दूर तक काम हुआ है और किस टाइप से हुआ है सो देख सकते हो। तो कितना जगह निकल के आया है, सो जंगल में पता नहीं चल रहा था भाई साहब कि इतना जगह है, बट अभी साफ हो गया है तो सारा कुछ मेरे को दिख रहा है। देखो दोस्तों, इतना सारा जगह है ना, यहाँ तक है। और अभी जेसीबी मशीन फिर से आ रहा है भाई, फिर ये जो देख रहे हो ये पूरा क्लियर करवा देंगे वहाँ तक, ठीक है। उसके बाद आप लोग का फिर वीडियो कंटिन्यू करते हैं। तो दोस्तों देख सकते हो जेसीबी मशीन आ गया है और मैं काम भी स्टार्ट कर दिया हूँ। बट अभी कुछ दिन ऐसा हुआ है ना कि काम करते करते अचानक से एक पेड़ में मतलब मधुमक्खी का छत्ता था भाई, और हम लोग को वो दिखा नहीं, वो डायरेक्ट गिर गया है, ठीक है। और पूरा अटैक कर रहे हैं हम लोग चारों तरफ से। मतलब हम लोग, अच्छा है कि अंदर में है, शीशा लगा हुआ है, पैक कर दिया शीशा से हम लोग को नहीं काट रहा है। लेकिन अभी इधर आ गए, मैंने दिखाता, देखिए यहाँ पर एक अंदर में भी है मधुमक्खी। मधुमक्खी अंदर में है, इसको काटा बड़ा है, काटेगा तो लाल कर दिया। इधर भी है, और जहाँ पर जो काम चल रहा है ना भाई, वहाँ पे आगे वाला पेड़ में वहाँ पर बहुत ज्यादा है, बहुत ही ज्यादा वहाँ अटैक कर रहा था, बट इधर थोड़ा कम है, इधर आ गया है। तो देख सकते हो यहाँ पर किस तरह से अटैक कर रहा है सर, चारों तरफ से अटैक हो रहा है हम लोग पे, लेकिन हम लोग बचे हुए हैं। इधर भी है, काफी ज्यादा उड़ भी रहा है, मौका देख रहा काटने का। हाँ, अगर मौका मिल जाएगा तो तुरंत काट लेगा, लोग बाहर नहीं निकल रहे। हेलो दोस्तों, तो दोस्तों अभी जा रहे हैं नहाने के लिए, क्योंकि भाई साहब प्लॉटिंग का काम जितना करना था वो तो कर लिए, थोड़ा बहुत बाकी है वो कल कर लेंगे, बट अभी जा रहे हैं नहाने के लिए। और नहाने के लिए मैं कहाँ जा रहा हूँ दोस्तों? नदी जा रहा हूँ, नदी। पहले बचपन में बहुत नहाते थे नदी में, अभी जा रहे हैं नदी बहुत दिन के बाद, क्योंकि जहाँ मेरा काम हो रहा है ना प्लॉटिंग, वो मेरा नदी के किनारे ही पड़ता है। तो अभी मैं जा रहा हूँ नदी नहाने के लिए। चलिए आपको तो दिखाते हैं नज़ारा नदी का। तो दोस्तों पहले ये ज़बरदस्त नज़ारा देखिए, काफ़ी सुंदर यहाँ पर पेड़ लगाया गया है, देख सकते हो है ना। जैसे आ रहे हैं और इधर से जा रहे हैं भाई, जैसे जा रहे हैं नदी जाएंगे, जहाँ पर नहाते हैं जिस घाट में वहाँ पे जाएंगे। बाकी इधर जंगल टाइप से देख सकते हो इस तरह है, और नदी है उस साइड में, आगे के साइड में नदी है। मैं हाथ से इसलिए नहीं दिखा सकता भाई, क्योंकि मैं देख सकते हो हाथ में कपड़ा उपड़ा साबुन उबुन लिए हुए हैं, तो इस वजह से मैं हाथ से इशारा करके नहीं दिखा सकता हूँ, बट देख सकते हो है ना, काफ़ी सुंदर नज़ारा है। तो दोस्तों फाइनली देख सकते हो नदी पहुंच गया है, नदी का घाट है और पानी काफ़ी ज़्यादा ऊपर तक है, इस वजह से मतलब जो पत्थर होता है जिसमें नहाते थे वो सारा मतलब डूब गया पानी के अंदर, जो बचा हुआ है उसमें बैठे हुए हैं, ठीक है। और भाई साहब मतलब इतना दिन के बाद नदी आने का मेरा एक्सपीरियंस यह है कि पहले के मुताबिक ना पानी अभी गंदा है, थोड़ा हमको ऐसा लग रहा है, क्योंकि पहले इतना घास वगैरह नहीं होता था पानी, एकदम पानी जो होता है दूर दूर तक एकदम क्लियर दिखाई देता था एकदम। अभी दिखाता हूँ कि किस तरह से है पानी को, ठीक है, आप लोग देख सकते हो, बैक कैमरा उसमें दिखाता हूँ आप लोग को। तो दोस्तों देख सकते हो यही नदी के बारे में बात कर रहे हैं, देखो किस तरह से है सो, मतलब है ना, पानी थोड़ा बहुत लग रहा है ना गंदा टाइप से, पहले इतना गंदा नहीं होता था, पहले हमेशा एकदम साफ साफ सुथरा होता था, जिसका कि इस तरह है अभी, इस तरह जिस तरह दिख रहा है यहाँ पे उसी तरह सारा अभी दिखता है चकाचक एकदम, बट वैसा नहीं है, थोड़ा गंदा टाइप से दिख रहा है। लेकिन नज़ारा कैसा है कमेंट करके बताइएगा। और मुझे लगता है कि यहाँ पर एनाकोंडा का मूवी शूट हो सकता है, इस तरह का सीन है, लोकेशन है भाई, देख सकते हो ज़बरदस्त वाला एकदम डरावना सा सीन है। और मैं अकेले आ गया हूँ, और कहीं निकल ना जाए अजगर, कहा कि भाई साहब अजगर का बच्चा काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर निकलता है, सांप और सांप में अजगर का बच्चा यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पाया जाता है। हम लोग यहाँ देख सकते हो दोस्तों, इस तरह जंगल है। तो दोस्तों देख सकते हो फाइनली मेरा नहाना कंप्लीट हो गया, और भाई साहब थे तो अकेले बट नहाए हम लोग तीन जन, और तीन जन में एक दिन चल गया, एक भाई साहब यहाँ पे है, हाय कर दो। तो चलते हैं घर, फिर आएगा ब्लॉग कंटिन्यू करते भाई। तो दोस्तों देख सकते हो शाम का टाइम है, और मैं आया हुआ था कटरास बाजार कुछ काम से भाई, बट यहाँ पर एक एक्सीडेंट का मामला देख रहे हैं सामने आया हुआ है, मतलब एक्सीडेंट हुआ नहीं है, बट यहाँ पर फाटक ऐसा है ना कि सिंगल रोड है फाटक में, और हमेशा इस तरह का घटना होते रहता है। तो क्या है पूरा बात मैं भाई साहब घर जाके बताऊँगा, क्योंकि यहाँ पर रुकना मेरे को अच्छा नहीं लग रहा थोड़ा सा, बाहर भी काफ़ी ज़्यादा है और शोर शराबा यहाँ काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, तो मैं घर जाके एक्सप्लेन करता हूँ एक्चुअली यहाँ पर हुआ क्या माजरा से, ठीक है। तो वीडियो आप लोग कंटिन्यू बने रहो। हाँ हाँ
ठीक चला। तो दोस्तों देख सकते हो फाइनली रात हो गई है और रात के लगभग 9 बज रहा है, 9 भाई साहब, और प्लॉटिंग का काम करा के रात में आया, 8 बजे लगभग मैं घर आ गया और खाना वाना खा के अभी 9 बज गया है। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, और आप लोग इस चैनल को नए हो अगर तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को लाइक कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।